नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने दो बाइक, तमंचा और लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों अपराधी बड़े ही शातिर ढंग से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती थी। इनके ऊपर मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त और भी कई जनपदों में मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस और उसके अलावा दो मोटरसाइकिल हैं और 9 मोबाइल फ़ोन हैं जो छीने हुए हैं जगह जगह से, जिसमें से कई मोबाइल फ़ोन मुकदमों से कनेक्ट हो चुके हैं। ये दोनों ही साथी अपराधी हैं। इनके खिलाफ वर्ष 2017 में भी इससे पहले मोबाइल लूट के मुकदमे कायम हैं, जिसमें इनसे मोबाइल बरामद हुए थे। अगेन ये दोबारा फिर मोबाइल छीनने की घटनाओं में पकड़े। सर, मोबाइल का करते क्या थे, कहाँ बेचते थे? आगे जाके शॉप्स को, फुटकर फुटकर और रास्ता चलते आदमियों को बेचते थे। कोई दुकान भी चिन्हित की गई है? हाँ, इनसे पता किया जा रहा है। पूछताछ के बाद जो जो चीज़ें आई हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।